वाओ, अमेजिंग, सुपर टेस्टी एंड फ्रेश फ्लेवर। आज मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई है, बेस्ट एवर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इस आइसक्रीम में मैंने फूड कलर भी यूज़ नहीं किया है। ये बेस्ट एवर फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। तो जल्दी से रेसिपी देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो बातें बहुत हो गई, जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। आप चाहे तो इसकी जगह फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज भी यूज कर सकते हैं। तो पहले फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को धुलेंगे पानी से। तो मैंने यहाँ पे ठंडा पानी यूज किया है, उसमें मैंने डाली है स्ट्रॉबेरीज और इसे थोड़ा धुला है। उसके बाद इसको निकाल कर इसे कट करेंगे, क्योंकि हमें इसे मिक्सर में चलाना है। तो हम इसका ये टॉप पोर्शन जो है वो कट करेंगे और इसे दो पार्ट में कट करके फिर इसको पीसेंगे। यहाँ पे मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज कट कर ली है और अब इसको मिक्सर में डालकर पीसेंगे। स्ट्रॉबेरी में ऑलरेडी काफी जूस होता है, पानी होता है, इसलिए हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मुझे इसे बहुत चिकना नहीं पीसना है, बहुत स्मूथ नहीं करना है, इसलिए मैं इसे थोड़ा चंकी रखूंगी, जिससे कि आइसक्रीम में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी के ऐसे क्रिस्टल्स और पार्टिकल्स पता चले। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा चंक्स इसके, और ये बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट है। और अब हम चलते हैं क्रीम की तरफ और करते हैं क्रीम को व्हिप। क्रीम को व्हिप करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ये नॉर्मल फ्रेश क्रीम है। और इसको मैं करूँगी क्लिंग रैप से कवर और बीच में करेंगे एक छोटा सा छेद, जिससे कि क्रीम बाहर ना आए जब हम उसे व्हिप करेंगे, वरना वो सब जगह फैल सकता है। और आपने अगर मेरी दूसरी वाली आइसक्रीम की रेसिपी देखी होगी, कुकी एंड क्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम, तो उसमें भी मैंने ऐसे ही किया था। तो इसको लगातार व्हिप करते रहेंगे तो ये थोड़ा सा हैवी होती जाएगी क्रीम। ये देखिए क्रीम पहले से काफी थिक हो गई है, लेकिन पीक फॉर्म नहीं हुई है, इसलिए हम इसे वापस एक बार चलाएंगे जब तक कि उस पर एक ड्रॉप्ड पीक फॉर्म ना हो जाए। ये देखिए अभी ये सही तरीके से व्हिप हो गई है, और अब हम इसे बाद में फिर से चलाएंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। इसके बाद हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, लेकिन वनीला एसेंस डालने से आइसक्रीम में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें स्ट्रॉबेरी एसेंस डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैंने इसे कम व्हिप किया है, इसलिए मैं इसे कंडेंस्ड मिल्क और वनीला एसेंस डालने के बाद एक बार फिर से चलाऊंगी, जब तक कि एक अच्छी ड्रॉप पीक ना बनने लगे। और क्रीम को बिल्कुल भी ओवर व्हिप नहीं करना, वरना वो मक्खन में कन्वर्ट हो सकती है। और आप ये देखिए, ये बहुत अच्छी ड्रॉप पीक आ रही है, मतलब ये परफेक्ट व्हिप हुई है। इससे ज़्यादा आप व्हिप मत करिएगा, वरना ये पूरा मक्खन में कन्वर्ट हो जाएगी और पानी अलग छोड़ देगी। और अब हम व्हिप्ड क्रीम में डालते हैं स्ट्रॉबेरी का पेस्ट जो हमने पीसा था। और अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज को पीसते समय आप उसमें चीनी भी डाल सकते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद हो, वरना आप बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं। और आप कंडेंस्ड मिल्क भी अवॉइड कर सकते हैं इस आइसक्रीम में, अगर आप इस आइसक्रीम को शुगर फ्री रखना चाहते हैं, आप उसकी जगह शुगर फ्री डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर पिंक कलर आया है, ये हमारी नेचुरल आइसक्रीम है, इसमें ये नेचुरल कलर आया है। और हम इसमें कोई भी फूड कलर नहीं यूज़ करेंगे, बट आप चाहें तो थोड़ा सा पिंक कलर डाल सकते हैं अगर आपको इंटेंस कलर चाहिए तो, बट मेरे लिए ये परफेक्ट है।
और अब इस आइसक्रीम को रखना है फ्रीजर में जिससे ये बहुत अच्छे से जम जाए। इसके लिए मैंने इसको ट्रांसफर किया है एक पैन में। स्ट्रॉबेरीज को मैंने चंकी रखा था इसलिए उसके क्रिस्टल्स भी इसमें दिखाई दे रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जब आइसक्रीम खाओ तो। और अब मैं इसको करती हूँ थोड़ा सा इवन सब तरफ से, और फिर इसको रखने से पहले अच्छे से कवर करना है जिसमें इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स ना जाएं। तो पहले मैं इसको कवर करूंगी क्लिंग रैप से, और क्लिंग रैप को आपको अच्छे से सेट करना है जिससे कि इसमें कहीं भी एयर ना हो, और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे एल्युमिनियम फॉइल से। स्ट्रॉबेरी क्रीम अच्छे से सील हो गई है और अब इसको रखते हैं फ्रीजर में जिससे कि वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बन जाए। मैंने इसे अच्छे से ओवरनाइट जमने रख दिया था और अब मैं इसको निकालती हूँ। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से जम गई है और आप देखिए इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है। और अब हम इसको सर्व करते हैं। आइसक्रीम बहुत अच्छे से हार्ड जमी हुई है तो परफेक्ट स्कूप के लिए अगर हम इस स्कूप को गर्म पानी में डिप करें और उसके बाद उससे कपड़े से पोंछ लें या पेपर टॉवल से पोंछ के फिर स्कूप आउट करें तो बहुत अच्छे से स्कूप निकल कर आएगा। यहाँ पे मेरे पास दो डेजर्ट बाउल हैं जिसमें मैंने कैरमल डेकोरेशन कर रखी है और इसमें निकालते हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और हमारे दोनों बाउल्स फुल ऑफ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम विथ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज रेडी है सर्व करने के लिए, इंजॉय करने के लिए विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आप इस सिंपल सी आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और इसका मज़ा लीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर में। और देखते रहिए द फ्राइंग पैन। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और आपको याद है ना कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपकी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। थैंक यू।